हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये है हमारा सेशन नंबर 23 24। इसके पहले हमने आपके लिए 23 वीडियो डाल चुके हैं। तो जो व्यक्ति आज पहली बार देख रहे हैं मुझे, आपके लिए 23 क्लास कवर करनी है। आप क्लास वन से शुरू कीजिएगा। क्लास वन से शुरू करके आप पूरा जो बैकअप है वो उसका पूरा कवर कर दीजिएगा। जो अपना बैकलॉग है ना, उसको पूरा आप कवर कर देना। देखो, कल है शनिवार, परसों है रविवार, तो आपके लिए होमवर्क है कि जो सारे पीछे के वीडियोस हैं इनको कवर कर दो, उनके जो नोट्स हैं उनको आप रिवाइज कर लो। हम जो आपको आंसर देंगे, क्वेश्चन देंगे, उसका आपको आंसर लिखना है ध्यान से डेली। बस हम आपको एक सवाल देंगे। एक सवाल का मतलब है कि आपका एक टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, बढ़िया। सर आप टाइम पे आते हो? बिल्कुल, टाइम समय की अगर आप कदर नहीं करेंगे तो कोई कदर नहीं करेगा आपकी। क्लियर है? अनुराधा पांडे, शिवानी झा, रोहित सिंह, अंजुम, विष्णु, संतोष, आरआरसी वर्ल्ड, समंथा, अशोक, मुगल प्रताप, ज्योतिष मिता, रितेश भाटिया, सुनील चंदेल, विनोद कुमार टाटी, बिल्कुल, अशोक राहुल, लवप्रीत कौर, गुड इवनिंग आप सभी को, अमृत तिवारी, सभी लोग। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है, बेल आइकन दबाइए। ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता है कि हाँ सर, ये क्लास शुरू हो गई। वरना क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर आप आएंगे, फिर मुँह लटकाएंगे, क्लास ख़त्म हो गया, हमको किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से जो बेल आइकन है दबाइएगा। प्लस जो भी आपके दोस्त नए हैं, उन अगर वो पूछते हैं आपसे कि क्लास कहाँ करनी है, सब बता दीजिए कि हाँ क्लास यहाँ पर चलती है, टो पर चलती है। ठीक है ना? तो ये बातें हैं। पहुँच गए सभी लोग? चलो, बहुत अच्छे। जो सवाल था हमारा वो था GS3 का। सवाल हमारा है GS3 से। आपको पता है कि आज जो प्रीलिम्स की वो डेट है आ चुकी है, और हमने आपके लिए जो स्ट्रेटजी है वो बता दिया है कि आपको करना क्या है अगले 4 महीने, पढ़ना कैसे है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल है वो हमारा GS3 से है। क्योंकि आपको अब प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी होगी, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद केवल 60 दिन, उससे कम 56 दिन का समय दिया गया है। 56 दिन देखते देखते पार हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप केवल प्रीलिम्स पास नहीं करेंगे, आप यहाँ पर मेंस की तैयारी करने के लिए बैठे हैं। तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उनका रिलेवेंस दोनों के लिए होगा, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो निश्चिंत होकर के क्लास कीजिए, डेली क्लास कीजिए। सवाल है, जो इम्पोर्टेंस है विनिर्माण क्षेत्र का, उसको हाईलाइट कीजिए। किस में इम्पोर्टेंस सर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग का, उसको डिस्कस करना है, हाईलाइट करना है। पहला पार्ट तो आपका ये हो गया। दूसरा, डिस्कस द नीड फॉर अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक जो नया औद्योगिक नीति है उसकी हमें जरूरत क्यों है, आपको यहां पर ये लिखना है। क्या लिख पाएंगे? व्हाई डू वी नीड अ न्यू पॉलिसी, क्या आप इसका जवाब लिख पाएंगे? अच्छा, आप सोचेंगे कि यार अभी तो हमने ग्रेजुएशन पास किया है, पहला पहला अटेम्प्ट है, नया नया सब कुछ है, तो यहाँ पर हमसे पॉलिसी बनवा रहे हैं, हमको कहाँ से आएगा पॉलिसी? वो आपसे अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हमें किसी नई चीज़ की जरूरत कब पड़ती है? हमें किसी नया चीज़ जरूरत कब पड़ता है? जब हमारा पुराना पॉलिसी काम नहीं कर रहा होगा ढंग से, तभी ना। हमें न्यू पॉलिसी क्यों चाहिए? पहला बात, क्योंकि पुराना पॉलिसी पुराना हो गया है सही में। दूसरा, जो पुराना पॉलिसी है वो नए चैलेंजेस को ठीक नहीं कर पा रहा है। हमारे पास कुछ और नए चैलेंजेस आ गए हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमको नया पॉलिसी का जरूरत है। यही पूछ रहा है ना? तो आपसे अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है कि वो जो न्यू चैलेंजेस हैं, न्यू चैलेंजेस हैं कौन कौन से, जिसके कारण से हमें एक नई पॉलिसी की जरूरत पड़ गई। आपसे नया पॉलिसी फ्रेम नहीं करवा रहा है कि हाँ तुम बताओ बेटा कि नया पॉलिसी होगा कौन सा। वो पूछ रहा है आपसे कि हमारे यहाँ क्या समस्याएं आ गई कि हम नया पॉलिसी बनाने, मतलब बनाने की हमको जरूरत पड़ रही है। ठीक है,
बढ़िया। तो आपका जो इंट्रो होगा, इंट्रो में आप लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है आर्थिक विकास के लिए वो बताएंगे, और फिर हमें क्या ज़रूरत है, मतलब क्या कंस्ट्रेंट फेस करता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप वो बता देंगे, क्या इशू फेस करता है हमारा क्षेत्र वो बता देंगे। शुरू करें फिर। तो देखो, ये जो आपका उत्तर है, उस उत्तर में हमने काफ़ी सारा वैल्यू एडिशन किया है, जो काफ़ी सारे आपकी जो है ना बातें वो मैंने ऐड करी है ताकि आपको नई बातें सीखने को मिले। पहला है, जो आपका विनिर्माण क्षेत्र है, इसमें वो कंपनियां आती हैं जो मटेरियल के ट्रांसफॉर्म करने में इंगेज्ड होती हैं। मतलब जो चीज़ आप प्राइमरी सेक्टर से ला रहे हैं, इसका रूप बदल देना, इसको ट्रांसफॉर्म करके, वैल्यू ऐड करके इसका रूप बदल देना, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपने आलू खरीदा, आलू था गोल मटोल, कोई दिक्कत नहीं थी, बेचारा प्यारा सा आलू, आलू को पूरा इसका रूप ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसने आलू का भुजिया बना दिया, चिप्स भी आएंगे, इसने आलू का चिप्स बना दिया, ठीक है ना? चिप्स का नहीं बोले सर, आई लाइक चिप्स, ठीक है, तो चिप्स बना दिया, तो आलू का उसने रूप बदल दिया। ये कौन सेक्टर है सर? ये सेक्टर है आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है? आपका जो आयरन ओर है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये जो आपका ओर है, इसका रूप बदल करके स्टील का निर्माण कर दिया, क्या हो गया? यहां पर प्राइमरी सेक्टर का पता है ना कि माइनिंग होता है प्राइमरी सेक्टर का, माइनिंग का जो माल है, इसने रूप बदल करके स्टील बना दिया, क्या बन गया आपका? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्लियर है? अरे वाह, हमारे 76 दोस्त देख रहे हैं एक साथ, 76 स्टूडेंट एक साथ देख रहे हैं, इतने क्या कहूँ, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? बढ़ाइए इसको, 100 पार कीजिए और मज़ा आएगा, ठीक है ना? अरे 82 हो गया, अरे वाह, ठीक है, 82 बच्चे देख रहे हैं हमारे एक साथ, क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो आपने किया क्या? आपने प्राइमरी सेक्टर का माल ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये होता है आपका विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग सामान को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, ठीक है? वो ज्यों का त्यों नेचर से लेते हैं और उसको हम सेल कर देते हैं। यहां पर आपका आएगा इलेक्ट्रिकल कंपनीज, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक कंपनीज, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल आपके जो व्हीकल्स वगैरह हो गए वो सब। अब आती है बात कि आपका इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है आपसे ये पूछ रहा है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 87, अरे वाह, ठीक है, बढ़िया। सबसे पहली बात होती है वैल्यू एडिशन। जो भी कंट्री रॉ मटेरियल को ज्यों का त्यों एक्सपोर्ट कर देता है, उसका जो भरपूर फायदा है वो नहीं उठा पाता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ जो आयरन ओर है, लौह अयस्क है, अगर आपने उस लौह अयस्क को रूप को उसके रूप को रूपांतरित करके स्टील बनाया होता, उससे कुछ और चीज़ें बनाई होती, तो आपको महंगा मिलता। यही जो आलू है, ये आलू हम बेचते हैं 10 रुपये किलो। क्या बेचते हैं? 10 रुपये किलो। इसी आलू को इस्तेमाल करके वो जरा सा भुजिया, जरा सा चिप्स, चिप्स क्या, हवा बेचते हैं वो लोग 5 रुपये में, इतना सा। 25 ग्राम चिप्स होती है, होती तो मैं दिखाता आपको, मैं खा गया तो यहां पर 25 ग्राम चिप्स, 32 ग्राम चिप्स आपको मिलती है 5 रुपये में, समझ रहे हो? 50 ग्राम ले लो, 50 ग्राम मिलता है 10 रुपये का। 1 किलो आलू लेकर के उसमें से आप केवल 50 ग्राम बेच रहे हैं चिप्स, तो कितना ज्यादा आप मार्जिन कमा रहे हैं सोच रहे हैं आप? चिप्स का पर केजी रेट जरा देखना निकाले कितना होता है, ठीक है? तो ये जो वैल्यू ऐड करने से आपका सामान का दाम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण से जो भी कंट्री आज तक विकसित हुआ है, ध्यान सुनना, जो भी कंट्री आज तक विकसित हुआ है
वो विनिर्माण क्षेत्र की बदौलत ही विकसित हुआ है। औद्योगिक क्रांति आई, ब्रिटेन विकसित हुआ। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से निकल करके अमेरिका में गया, यूरोप में गया, जापान में गया, तो ये सारे कंट्री विकसित हुए। औद्योगिक क्रांति 1980 के दशक में चाइना में घुसा, तो चाइना विकसित हो रहा है। अब भारत में समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है, हमारे यहाँ अभी हम नहीं उसको उठा पा रहे हैं फ़ायदा। क्लियर बात है? ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, जरा सी वैल्यू ऐड करने से आप सामान काफ़ी महंगा बेच सकते हैं। तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये बात समझी कि यार ये बताओ, अगर आज तक कोई कंट्री डेवलप नहीं हो पाया है बिना विनिर्माण क्षेत्र के, तो हमें भी करना चाहिए उसमें कुछ काम। उन्होंने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था। क्या किया था? जो मेक इन इंडिया स्कीम है उन्होंने ये लॉन्च किया था। और हाल में ही कोरोना वायरस के कारण जो नया नया पैकेज आ रहा है, उसमें से अधिकांश पैकेज कहाँ जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में, खेती किसानी में जो अलर्ट हुआ है ना, वो पहुँचेगा नहीं, वो बस पैकेज ही रह जाएगा। मगर जो पैकेज आपके इंडस्ट्री के लिए अलॉट हुए हैं, वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि फायदा कैसे उठाना है, ठीक है ना? तो वो लोग सभी चीजों का फायदा उठा लेते हैं। अगला है, जो कृषि पर डिपेंडेंस है वो कम होगा। कैसे कम होगा सर? ध्यान से देखना, कृषि पर अभी जो हमारा डिपेंडेंस है वो काफी ज्यादा है। क्या है? कृषि पर हमारा डिपेंडेंस है वो काफी ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो देखो, देखो ध्यान से, ये हमारा है कृषि का डिपेंडेंस। ये फायदा होता है। अगर मैं पीपीटी पढ़ा रहा होता तो पीपीटी पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? तो आपका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है 17%, और 44% लोग डिपेंडेंट है कृषि पर। तो कृषि पर ज्यादा लोग डिपेंडेंट है मगर उतना उत्पाद नहीं कर पा रहे हैं। 44 लोग मिल करके 17 रुपया कमा रहा है, यहाँ 17 रुपया मिल करके 16 रुपया कमा रहा है, तो बढ़िया है ना? उससे अच्छा है सेवा। 37 लोग मिल करके 54 रुपया कमा ले रहा है। तो कृषि से हमें लोन उठा करके डालना है मैन्युफैक्चरिंग में, उसे डालना है सेवा में, समझ गए? कृषि से लोगों को ला करके हमको डालना है मैन्युफैक्चरिंग में और सेवा में। मतलब कि वी वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑन द एग्रीकल्चर। जो कृषि में स्टैग्नेशन है, कृषि का जो ग्रोथ रेट है 4% टच कर ले तो हमको एकदम वो हो जाता है, ठीक है ना? मगर नहीं टच कर पाते 4% जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, इतना जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, इतना जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम लोग कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। हमारे इतने जो नौजवान टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रोडों पर टिकटॉक बनाते हैं, उनको जॉब मिलेगा, घर चलेगा उनका, है ना? दूसरा, आप एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे। अगर आप एक्सपोर्ट, देखो ध्यान से मैं कैसे लिंक करता हूँ चीज़ों को, सीखो, आप भी ऐसे ही लिंक करेंगे। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया, आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे ज़्यादा, है ना? एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन करेंसी आएगी आपकी, और आपका जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, करेंट अकाउंट डेफिसिट है ना, CAD, ये आपका कम होगा, समझ गए बात? आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये बढ़िया होगा। क्लियर है? तो इंपोर्ट पर से डिपेंडेंस हमारा कम होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा, एक्सपोर्ट कैपिटल हम लोग कर पाएंगे और हम कंज्यूमर गुड भी यहां पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। जब विनिर्माण क्षेत्र बढ़ता है तो रोड बनता है, पुल बनता है, बिजली बनती है। अगर किसी जगह पर कारखाना लग गया तो देखते हैं ना कि उसके आसपास का हुलिया बदल जाता है, नया नया रोड आ गया, नया नया कॉलोनी बन गया,
है ना। तो जो लोग कारखानों में काम करते हैं उनको भी जॉब मिलता है। अरे वाह, 95, बिल्कुल, थैंक यू। अभी 95 लोग लाइव देख रहे हैं हमारे क्लास को, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सब बुरा हो गया यार तुम लोग आज। ठीक है, कोई बात नहीं, डेली आया कीजिए, क्लास अच्छा है तो रोज आया कीजिए, हम रोज पढ़ाते हैं आपको, संडे हो या मंडे सैटरडे, कल भी क्लास है, डेली रात को 9 बजे, एकदम निश्चिंत होकर के आना, कुछ भी दिक्कत हो हम यहाँ पर आपको मिलेंगे। क्लियर है? बढ़िया। एक बात और, हम सोच रहे हैं कल एक क्लास रखने का, आपको जो भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तैयारी संबंधित, क्योंकि देखो 4 महीना मिला है आपको, ये मिलता नहीं है जनरली, भगवान ने लाकर आपको दिया है कि हाँ बेटा अगर तुमने आज तक कोई कारनामा किया होगा तो 4 महीना तुमको दे रहे हैं, आलस तुमने किया है कोई बात नहीं, 4 महीना ले लो और तैयारी शुरू करो अच्छे से। जो लोग बहाना मारते हैं कि नहीं हम तो पढ़ाए नहीं, समय नहीं है, अब आपके लिए 4 महीना काफ़ी है प्रीलिम्स, और कितना टाइम चाहिए, पढ़ डालो अब। ठीक है, तो आप कहेंगे तो सेशन लेके आएंगे जहाँ पर आपको कोई भी डाउट होंगे, पूछेंगे कि हमें कब क्या पढ़ना चाहिए, सब बातें आप पे डिपेंड करता है, क्लास कराना चाहते हैं आप या नहीं। ये क्लास रोज होगी 9 बजे शाम को, क्लियर है? चलो, हम लोग कैपिटल को एक्युमुलेट कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे सर? हमने आपको बताया कि जहाँ पर कारखाना बन जाता है वहाँ पर रोड बन जाता है, बिजली के खंभे आ जाते हैं, तरह तरह की सुविधाएं आ जाती हैं, ये सारा आपका कैपिटल है। रोड का इस्तेमाल करेंगे, मार्केट तक जाएंगे, बिजली का इस्तेमाल करेंगे, जो आपका छोटे छोटे उद्योग है ना वो चलना शुरू करेगा आपके लोकेलिटी में। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं विनिर्माण में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी। क्लियर है? जैसे कि कुछ भी चीज़ जो इस्तेमाल होती है मैन्युफैक्चरिंग में उसका इस्तेमाल कहीं और हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जनरेटर, फीटर, फीटर का इस्तेमाल होता है कृषि में पानी को नीचे से ऊपर लाने के लिए, लोग फीटर से गाड़ी बना दे रहे हैं आजकल, समझ रहे हो? तो जो हमारा इनोवेशन है उसको काफी उछाल मिलता है जब हमारा विनिर्माण क्षेत्र बढ़ता है आगे। अगला, मल्टीप्लायर इफेक्ट, अगर हमारे इकोनॉमी में, अगर हमारे विनिर्माण क्षेत्र में एक जॉब पैदा होता है तो उस एक जॉब के बदले दूसरे सेक्टर में 2 से 3 जॉब पैदा होता है। कैसे सर? मान लो कि हमने चिप्स का कारखाना शुरू किया, अब चिप्स के लिए हमको आलू चाहिए, तो आलू चाहिए तो हमको आलू खरीदना पड़ेगा किसानों से, तो किसान का जॉब क्रिएट हुआ, हमको चिप्स बनाया, हम उसको बेचेंगे, उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे कंपनी से दुकान तक में, तो जो लॉजिस्टिक्स है उसमें जॉब क्रिएट हुआ, पैकिंग का, ढुलाई का, कार्टून बनाने का, कार्टून को पैक करने का, कार्टून पर टेप मारने का कारखाना सब बनेगा, उसमें चिप्स में हवा भरने का कारखाना बनेगा, है ना। तो एक जॉब पैदा हुआ मैन्युफैक्चरिंग में तो फिर 3 जॉब अलग सेक्टर में पैदा होते हैं, इसी कारण से हम इसको काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं। एमएसएमई पर बनी थी कमेटी एक यूके सिन्हा की, एमएसएमई खुद मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 45% बनाता है, हमारे एक्सपोर्ट में अगर 40% जो है ना हिस्सा वो आपके एमएसएमई का है, जीडीपी का 28% एमएसएमई से आता है, और टोटल जो लोग इंप्लॉयड हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना, जैसे कि हमारा है ना निर्माण क्षेत्र में, उसमें 93% आपके एमएसएमई में आते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग में 100 लोग इंप्लॉयड हैं तो 100 में से 93 लोग अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि एमएसएमई सेक्टर में ही आता है। मगर समस्या ये है कि इतना इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद, जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का वो केवल 16% है, और ये आज से नहीं है, ये दशकों से है, ये 1980 से 16%, 17%, फिर 16 हो गया, फिर 17 हो गया, इतना ही चल रहा है। तो आपने किया क्या? अगर आप ग्रोथ रेट नहीं बढ़ा पाए मैन्युफैक्चरिंग के तो किया क्या? तो हमें इसी कारण से, इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमको एक नया पॉलिसी, एक फ्यूचर रेडी पॉलिसी की जरूरत है, मतलब कि ऐसा पॉलिसी जो भविष्य के लिए बना हुआ हो। हम लोग कोई भी बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम उसको बनाते हैं भविष्य के लिए, हम लोग कम से कम 30 साल दूर देख के बनाते हैं। मान लो कि हमने बनाया कोई पुल, क्या वो पुल हमारे अभी की जरूरत के लिए है? केवल अभी के नहीं, आगे 10 साल तक वो पुल हमें काम देगा, आगे 20-30 साल तक वो पुल हमें काम देगा, तो हम देखेंगे ना कि 20 साल में हमारा जनसंख्या कितना बढ़ेगा।
अगर 20 साल में जनसंख्या बढ़ रही है शहर की 1 से 130, तो पुल पतला ना बनाए हम पतला पुल बना दिए, पता चला कि 1 साल के बाद ट्रैफिक भर गया, उसमें जाम लगने लग गया, क्या फायदा? अरे पुल बनाओ ऐसा जो कि चले 30 30 साल, 40 साल, है ना, टूट गया, समस्या है। और तो यहाँ पर इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमको एक नई पॉलिसी की जरूरत है। पहला कारण क्या है, देखो पहला कारण क्या है, पहला है हमारे यहाँ जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये लाने के लिए हम लोग को नया पॉलिसी चाहिए जहां पर टाइम कम करना है। अगर आपको कोई नया कारखाना लगाना है तो आपको जो लेना पड़ता है परमिशन वगैरह, पॉल्यूशन परमिट, लगाने का परमिट, लैंड वगैरह का परमिट, वो सब आपका जल्दी जल्दी हो जाए। और उसके लिए हमारे पास केवल एक सिंगल विंडो से क्लियरेंस मिले। क्या मिले? सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, समझ गए? तो यहां पर ये जो आपका टाइम है वो कम करना है, और जो टैक्स सिस्टम है हमारा उसको ठीक करना है, जीएसटी में जो लूप होल है उसको ठीक करना है हमको। दूसरा, हमारा जो उत्पादकता है वो काफी कम है। क्या है? हमारा उत्पादकता काफी कम है, चाइना का केवल 1/3 है। चूंकि हमारा उत्पादकता ही कम है तो हमको बढ़ाना पड़ेगा इसको। मतलब कि चाइना में अगर एक आदमी 1 घंटे में 100 चिप्स बना पा रहा है, 90 चिप्स बना पा रहा है, तो उस 90 चिप्स के बजाय हमारे जो व्यक्ति है वो केवल 30 चिप्स बना पा रहा है, समझ रहे बात? तो हमें करना क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग एम्प्लॉयड हैं इनका उत्पादकता बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? आप उनका जो हेल्थ है, हेल्थ पर निवेश कीजिए, उनकी जो ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट उनको वो दीजिए, जो नया नया मशीन है, नए नए टूल्स हैं वो उनको अवेलेबल कराइए। चूंकि इनकी उत्पादकता कम है, ये सामान कम बनाते हैं, तो इनका जो पेमेंट है ये भी इनको कम मिलता है ना? तो आपकी जो पर कैपिटा आय है, पर कैपिटा जो आय है ये भी कम है, समझ रहे बात? तो ये सब समस्याएं हैं, इसी कारण से हमको ये सब काम करने हैं। दूसरा बात, हमारे जो लेबर लॉज हैं वो जनरली लेबर के लिए ही हैं। क्या हैं? हमारे लेबर लॉज लेबर के लिए ही हैं। इनसे कंपनियों काफी दिक्कत होती है। क्या होता है? कंपनी लेबर को एम्प्लॉय करना ही नहीं चाहता। हमने पढ़ाया था आपको गिग इकोनॉमी के बारे में, याद है? मैंने अभी 1 2 दिन पहले ही पढ़ाया है आपको गिग इकोनॉमी के बारे में, याद है कि नहीं याद है कुछ? ठीक है, तो इसमें होता क्या है, गिग इकोनॉमी में सारा काम आपका कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, फ्रीलांसर को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पर जॉब परमानेंट नहीं होती, जब तक काम होता तो काम मिला, वरना फिर उसको निकाल दिया। क्लियर है? तो क्यों रखते हैं ऐसा? हम उसको परमानेंट लेबर मानते ही नहीं, हमको उनके लिए ना कोई पीएफ करना पड़ता है, ना कुछ उसके लिए कुछ जो है व्यवस्था वो सब करनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ लेबर लॉ जो है ना काफी कॉम्प्लेक्स हैं। अभी किया क्या गया है, इन लेबर लॉ को कोडिफाई करने का जो है ना मुहिम वो चलाया गया है। मतलब कि लेबर लॉ जो ढेर सारे हैं, 15 20 लेबर लॉ है ना, इन सब को कोडिफाई करके हम केवल 4 लॉज में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि ताश का पत्ता जो बिखरा हुआ था सब समेट करके उसको केवल 4 भागों में बांट देंगे। क्लियर है? अब जो कंपनी लगाना चाहता है वो केवल इन 4ों को फॉलो कर ले, उसको सभी लॉ को नहीं देखना है, सभी लॉ को हमने एक ही में डाल दिया है। बढ़िया, चलो। ट्रेड में समस्या होती है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब करीब स्टैग्नेट हो गया। हमारा एक्सपोर्ट इतना फेवरेबल नहीं होता विदेशों में, होता क्या है ना कि चाइना का, वियतनाम का, इन कंट्री का माल को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग क्योंकि सस्ता होता है। तो हमें करना क्या है, हमें नए जो मार्केट है, नए मार्केट की तलाश करनी है जहाँ पर हमारे माल को प्रेफर किया जाए, समझ के बात? हमारा जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, ये काफी कम है। हम लोग अपनी GDP का केवल 0.6 0.7% पैसा खर्चा करते हैं।
टोटल मेरा जीडीपी 100 रुपया है ना, तो इसका केवल 0.6 रुपया 60 पैसा केवल खर्चा करते हैं। टारगेट यह है कि 2022 तक हम लोग 2% खर्चा करें। चाइना खर्चा करता है 2.1%, यूएस का है 2.8%। तो सोचो हम लोग तुलना करते हैं अपने आप की चाइना से, यहाँ से वहाँ से, क्या हम उसके कोने में भी हैं? चाइना 2.1% हमारा 3 गुना खर्चा करता है रिसर्च पे, आखिर क्यों ना आगे हो हमसे? ठीक है, चलिए, तो ये बातें हो गई। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है रिसर्च में वो काफी कम है, और प्राइवेट वाले तो हैं ही बदमाश, वो तो करते ही नहीं है। समस्या ये है कि उनको हम देंगे इंसेंटिव। हमने दिया था फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में क्या होता है, दवाइयाँ हमारी मेनली बनती है जेनरिक। ये दवाई को डेवलप नहीं करते, जो दूसरी कंपनी की दवाई है ना उसको बनाना शुरू कर देते हैं जब उनका पेटेंट खत्म होता है। तो इन्हीं सब कारणों से हमको एक नई पॉलिसी की जरूरत है। समझ गए? क्या समझा आपने? पहले समझा कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है आपके विनिर्माण क्षेत्र का, और फिर हमको एक नई पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ गई, आपने यहां पर यह समझ लिया। क्लियर है बात? अब इसी सवाल को घुमा करके ससुर यह पूछ दे कि ये बताओ कि सरकार ने क्या-क्या कदम उठाया है, सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्या कदम उठाया है, क्या बता पाएंगे आप? हम लोग बताएंगे कि एमएसएमई के लिए क्या किया है, जो आपके अलग अलग सेक्टर हैं उनके लिए क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग को फाइनेंशियल सहायता देने के लिए 59 मिनट का एक लोन पोर्टल बनाया गया है, मतलब कि आपको 1 घंटे के भीतर लोन मिल जाएगा। देखो मेरा आंसर खत्म हो गया यहाँ पे, मेरा आंसर यहाँ पर खत्म हो गया है। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में घुमा के कुछ पूछ देता, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन बहाना है बस, मुझे टॉपिक करवाना है विनिर्माण क्षेत्र, समझ गए बात? तो इश्यूज क्या हैं, नया पॉलिसी क्यों चाहिए, हमने समझ लिया। अब अगर सवाल पूछ देता ये यूपीएससी वाला कि हमने क्या क्या कदम उठाया है, क्या सरकार पूरा निठल्ला है या कुछ किया भी है उसने, नहीं जी बहुत कुछ किया है। 2% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो दिया जाता है। ये क्या होता है सर? इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने लोन लिया है उस पर ब्याज है 7%, अगर आप इस लोन को समय के भीतर चुका देते हैं तो हमको 2% का छूट देंगे तुमको, और तुम पर केवल 5% ब्याज ही लगाएंगे। यही मतलब है इंटरेस्ट सबवेंशन का। कृषि में होता है ये वाला, एमएसएमई में भी ये होता है। क्लियर है? हाल में ही जो एमएसएमई है इसको रिडिफाइन किया गया है, इसकी परिभाषा पूरी तरह से बदली गई है। दूसरे आपके इनिशिएटिव हैं टीआरईडीएस। टीआरईडीएस कितने लोग पता है क्या होता है? हमने पहले से पढ़ाया हुआ है, हमने सब पढ़ाया हुआ है पहले आपको, बस मेरा ग्राफिक्स कार्ड आने दो, फिर मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा एमसीक्यू वाला, ढेर सारे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना? चलो, फिर हमारा क्या स्कीम है, प्रधानमंत्री ईजीपी, क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। फिर आपका है पीएम मुद्रा योजना, मुद्रा योजना में देते हैं ना आपको पैसा। स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पायर स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पायर स्कीम है। इंफ्रा के लिए हमारे पास स्फूर्ति है और एमएससी सीडीपी है। मार्केटिंग के लिए क्या है सर? मार्केटिंग के लिए हमारे पास है एमएसएमई समाधान और एमएसएमई संबंध। छोटे छोटे पॉइंट है ये वाला, आपको याद रखना है और आपको अपने उत्तर में इस्तेमाल करना है। अगर आपने आंसर लिखा होगा तो आपको महसूस होगा कि आपको आपका उत्तर लिखते टाइम कंटेंट ही दिमाग में नहीं आता है। अब ससुर याद ही नहीं आ रहा है तो लिखें का, है ना? तो ये पॉइंट जो हैं इनको बार बार पढ़िए, इन पॉइंट को बार बार पढ़िए और उसको अपने आंसर में अप्रोप्रिएट जगह पर इस्तेमाल कीजिए। जहाँ जरूरत हो वहीं इस्तेमाल कीजिए, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ ना घुसाइए। हम लोग दिखाएंगे आपको कि हाँ कैसे बिना जरूरत के काम होता है तुरंत, अब जो जन को पीछे करेंगे ना वहाँ पे, ठीक है? जैसे कि आपका जो एमएसएमई है ये हो गया हमारा, जीईएम पोर्टल, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जब टेंडर निकालता है ना तो वहाँ पर एमएसएमई को भी प्रायोरिटी देता है। टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया है सर? टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पॉलिसी याद है। फिर आपका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए भी हम लोग काफी काम कर रहे हैं। अब जो आपका ये
एफडीआई है, इसको लाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको लाने के लिए हम लोगों ने इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी में जो एफडीआई है वो हमने अलाउ कर दिया है 100% का। बाकी जो फॉरेन शेयर होल्डिंग लिमिट है पीएसयू का, इसको इंक्रीज कर दिया गया है। क्लियर ना? केवाईसी नॉर्म यहाँ पर ढील दी गई है। जो आपका रियल एस्टेट है यहाँ पर आपको हमने छूट दिया है, और जो आपका एंजल टैक्स था उसको हमने हटा दिया है। क्लियर है? इसके अलावा हमने आपका आपके लिए जो विनिर्माण पॉलिसी है ये लॉन्च किया था, इसको भी नया करने की जरूरत है। 2011 का पॉलिसी है, 9 साल पहले की पॉलिसी आज तक चली आ रही है। ठीक है, तो इसको भी हमको सुधारना है। एक बात और, इस पॉलिसी को हमने पहले पढ़ा दिया है। जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लो आराम से। तुम्हारे पास 2 दिन है, जितना देख सकते हो उतना देखो। तुम जितनी जल्दी कवर करोगे तुम्हारा उतना तेज आगे बढ़ेगा स्पीड, उतना तेज तुम्हारा तैयारी होगा। बढ़िया बात, ठीक है। तो इसको मैंने पहले पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब आते हैं हम लोग अपने कल के सवाल पर। कल का हमारा सवाल है कौन सा, ये वाला। ठीक है, सवाल देखो कल का, ये हमारा सवाल है GS2 का। सवाल आपका है यहां पर GS2 का, मेंशन द इश्यूज विथ द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। सवाल क्यों दिया मालिक? कोरोना के केस में किसी व्यक्ति को अगर कोई जांच कराना हो तो उसको बहुत समस्या हो रही है। हमारे देश का जो पब्लिक हेल्थ केयर है चरमरा चुका है, एम्बुलेंस तक नहीं मिलता। कोरोना का अस्पताल तो छोड़ ही दो, अगर आपको कोरोना हो गया तो भूल जाओ कि तुम बचोगे। मजाक कर रहे हैं, बच जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बाहर नहीं निकलना है, हम ये कह रहे हैं मोटा मोटी। ठीक है ना, समस्या बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, गलती से मर गए तो मुझे मत कहना कि सर आपने कहा था कि नहीं मरोगे, मगर ये क्या, अफसरा के सामने खड़े हैं हम तो अब। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें हैं। तो इश्यूज क्या हैं पब्लिक हेल्थ केयर से, आपको ये बताना है, और इन इश्यूज को कैसे हम ठीक करेंगे। आपका इंट्रो क्या होगा, बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, सब बातें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इंट्रो में लिख देना कि हमारा वर्तमान हेल्थ केयर है उसका स्थिति क्या है, फिर लिख देना कि समस्या क्या क्या है, फिर समाधान क्या क्या है गवर्नमेंट ने, ये वो लिख देना, और कंक्लूजन लिख देना वे फॉरवर्ड, हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग और क्या कर सकते हैं। आप ये सब बातें वहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो आज 94-95 हुआ है, कल सेंचुरी मार देना है, कल सेंचुरी मार देनी है आप सभी को। ध्यान से देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, और जो दोस्त देख रहे हैं बेल आइकन दबा दीजिएगा, वरना वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्लास खत्म हो जाएगी, आप बैठे रह जाएंगे। चलो यहां पर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी। आम एक फल है। अरे ऐसा कैसा बच्चा वाला इंट्रो लिख रहा है। हाँ बढ़िया बात, प्राइम मूविंग फोर्स है। हाँ, कृषि को बनाया गया था प्राइम मूविंग फोर्स, आजादी के बाद कृषि को बनाया गया था प्राइम मूविंग फोर्स, पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग था। कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा। इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री कैन बी डेवलप्ड बाय डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव मेनी इंपॉर्टेंस फॉर एन इकोनॉमी। नहीं जरूरत थी इसका, चलो इंपॉर्टेंस पे आ जाओ। जीडीपी ग्रोथ कैन बी डन बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकॉज ऑफ हायर कंट्रीब्यूशन ऑफ हायर कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर, कॉरपोरेट, अच्छा सॉरी, कॉरपोरेट सेक्टर इन बजट। कॉरपोरेट में आपका मैन्युफैक्चरिंग और सेवा, इसमें आपका विनिर्माण और सेवा दोनों आता है। क्या तुम कारनामा करोगे, 21%। ठीक करो इसको। थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करंट अकाउंट डेफिसिट टारगेट कैन बी अचीव्ड, डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड, डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड। माथा पीट लेगा अपना आदमी। ठीक है, कोई बात नहीं, सुधार होगा। बेइज्जती सुन के भागना नहीं है कि सर ने बेइज्जती कर दिया, अरे अरे शादी ब्याह कैसे होगा हमारा अब, आराम से। ठीक है ना, चलो
अगला यहाँ पर है परचेसिंग पावर पैरिटी, बढ़िया, ये बढ़िया बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका जो। अरे परचेसिंग पावर पैरिटी करेंसी का होता है, आदमी का थोड़े है, पर कैपिटा इनकम होता है। ठीक है, यहाँ गलत है, पहला जैसा सही है। FDI NFII हेल्पिंग मोर टू गेन मोर, आपको ग्रामर पर ध्यान देने की जरूरत है, व्याकरण पर सुधार कीजिए, व्याकरण ठीक कीजिए आप, बढ़िया, लगातार लिखते रहिए, आपका सुधार होगा। और इतना लंबा आंसर कौन क्यों क्यों लिखते हो, छोटा करो, थोड़ा पॉइंट कम करो यार। चलो अगला है आपका, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द GDP एंड कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है, ये होता है स्वीट एंड शॉर्ट इंट्रो, छोटा सा इंट्रो है, इसमें कुछ है नहीं खास, मगर काम चलेगा इससे। मगर आपका इंट्रो जितना बढ़िया हो ना, उतना थोड़ा सा क्रिप्स रखिए, एक लाइन में उसको बता दीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है GDP में, कितने लोग काम करते हैं, हो गया इंट्रो, और क्या चाहिए। अरे 17% लोग काम करता है, 16% कंट्रीब्यूशन है GDP में, हो गया बस, और क्या चाहिए इंट्रो में। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकता है, इसका ये जो आउटपुट है इसको कंज्यूम कर सकता है, गरीबी घटाएगा, बेरोजगारी घटाएगा, बढ़िया बात, जॉब पैदा करेगा, बात तो वही हो गया घुमा फिरा के आपने, यूं करके यूं पकड़ फिर पकड़ लिया। रिड्यूस हैवी डिपेंडेंस ऑन पीपल ऑन द एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। मैन्युफैक्चर गुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड, एक्सपोर्ट बढ़ाएगा ना, ऐसा यही बात कहना आप चाहते हैं, वही आप सीधा लिख दो, एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, फॉरेन एक्सचेंज कमा कर देगा, बढ़िया बात। अच्छा, यहां पर फ्लो चार्ट का बहुत बेहतरीन स्कोप था, यहां पर फ्लो चार्ट का बहुत धमाकेदार स्कोप था। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंपनी लगा, जॉब क्रिएट हुआ, जो इनकम है इनकम बढ़ा, जो आपका डिमांड एंड सप्लाई है वो बढ़ा, क्लियर ना, यहाँ तीर मारते जाओ, खटाखट खटाखट, डिमांड सप्लाई बढ़ गया तो क्या हो गया, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गया। ये होता है फ्लो चार्ट, फटाफट एकदम समझ गए बात, ठीक है, बढ़िया। इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटी, बढ़ जाएगा डिस्पैरिटी है ना, वो बढ़ जाएगा। होता क्या है कि मान लो कि किसी जगह पर कारखाना लगा हुआ है, वहां पर रोड बिछेगा, वहां पर बिजली आएगी, जहां पर नहीं लगा है बिहार में वहां बिजली कटेगी, ठीक है ना। तो पॉलिसी के बारे में आवाज आओ, यहां पर इश्यूज क्या क्या हैं, ठीक है। ये क्यों क्यों कहानी, नहीं जरूरत है इसका, नहीं बैकग्राउंड का जरूरत नहीं है यहां पे इतना, ना 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 ना, ना। ये नहीं जरूरत है, यहां से आ जाओ, यहां से ठीक है। नीड फॉर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू प्रोवाइड बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टू प्रोवाइड बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, प्रोड्यूसिंग सफिशियंट नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है। मगर ये पॉइंट पहले मेंशन कर दिया था आपने, कर्ब अनएम्प्लॉय, अरे वही तो है, बेरोजगारी घटाओगे जॉब कम, अरे यार क्या, चलो कोई बात नहीं, सुधार होगा। हाँ ये पॉइंट अच्छा है, टू मेक इंडिया अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये धमाकेदार पॉइंट, ये तुम्हारा पहला पॉइंट होना चाहिए था, जिस पॉइंट को पढ़ के मजा आ जाए एकदम, तुम्हारा पहला पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है, बढ़िया बात। करेंट पॉलिसी इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग, वही तो बात है, हमको नया टीवी क्यों चाहिए, पुराना टीवी काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, परमानेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बढ़िया, लिखते रहिए आगे। चलो यहां पर है, थोड़ा सा बड़ा कर दें फोटो, ठीक है। आपको जो GS3 का कॉपी है ना वो दिखाएंगे, अपना वाला, कल क्या दिखाया था हमने, कल दिखाया था कॉपी हमने GS4 का, है ना, अपना और अजय का, आपको हम दिखाएंगे कॉपी बाद में GS3 का, अपना, अजय का और राहुल का, ठीक है। दुबे जी ने शादी कर ली है तो थोड़ा सा व्यस्त हैं अभी, ठीक है ना, तो इसी कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल लाइक, हाँ बढ़िया, ये अच्छा इंट्रो है, फर्स्ट क्लास। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, देखो ये होता है, आपने डाटा कोट किया वो भी इकोनॉमिक सर्वे का, एग्जामिनर खुश क्यों नहीं होगा। अभी तक मैंने जितना आंसर आपको सामने पढ़ के बताया था,
आपको क्या नहीं लगता कि इसमें ज्यादा एफर्ट लगा है ना? तो यहां पर कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ है 6-7%, शेयर इन जीडीपी, सॉरी नहीं पढ़ पाते कर्सिव यार, बिहार बोर्ड के हैं थोड़े से, शेयर इन जीडीपी है 16%, बढ़िया बात है, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है अपने, अच्छा बताया है, थोड़ा सा साफ साफ बताओ, डब्बा बना दो ऐसे कर ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना, थोड़ा साफ सा बना करके डब्बा बना दो ऐसे करके ज्यादा मजा आएगा। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, आपने वही चीज लिखी है मगर आपने अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छा जवाब है यहां पर, बहुत अच्छे, थोड़ा सा इसको साफ साफ लिखो, है ना, हेल्प इन अचीविंग आवर एसडीजी। अरे वाह, किसने लिखा है, सीखो कैसे लिखते हैं आंसर, डेवलपमेंट होगा रीजनल डेवलपमेंट, इसने उल्टा नहीं लिखा, इसने नहीं बोला कि गिलास खाली है गिलास भरेगा, इसने ये लिखा है डिस्पैरिटी बढ़ेगी, ये नहीं लिखा है डिस्पैरिटी डेवलपमेंट होगा, ये लिखा है ब्रिंग्स कॉम्पिटिटिवनेस एट द ग्लोबल मार्केट, बहुत अच्छा, ग्रोथ इंडस्ट्री जीडीपी देन द जीएनआई, बहुत अच्छे, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन जवाब है। बस आप थोड़ा सा काम कीजिए प्रेजेंटेशन पर, जैसे आप लिख रहे हैं आपकी राइटिंग भी अच्छी है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इसमें हो जाएगा काम, ठीक है ना, आपका भविष्य थोड़ा सा उज्ज्वल लग रहा है। वाई अ नीड फॉर ए पॉल, बढ़िया बात है, डबल अंडरलाइन मारो, चाहे बक्सा बनाओ, सिंस कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग विच इज फार बिहाइंड जापान और कोरिया और मलेशिया, एक बात आप लिख सकते थे यहाँ पर कि हमारे जो कंट्री हैं बांग्लादेश वियतनाम वगैरह वो हमको टक्कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेबर का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है हमारे मुकाबले, तो वह उनका जो है ना माल सस्ता पड़ जाता है लोगों को, ठीक है। चलो सोचो अगर मेरा कोचिंग होता तो मेरे क्लास में भी 92 लोग बैठे होते, मेरा क्लास हाउसफुल होता और पैसे भी देते, ठीक है ना, खोल देंगे कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग खोल देंगे, यूट्यूब पे सबसे लेंगे 100 रुपया, 100 रुपये महीना कोचिंग मेरा फी रहेगा यूट्यूब का, ठीक है ना, क्रैकर साइंस एकेडमी फी है 100 रुपये महीना, और जिनको मन है वो दें, जिनको मन नहीं है वो ना दें, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर 100 मिलियन जॉब का जो आपका एम है वो यहाँ पर पूरा होगा, बहुत अच्छा। एज पर द सर्वे, देखो ये होता है फायदा सर्वे पढ़ने का, चिल्ला चिल्ला के थक गया है आदमी कि सर्वे पढ़ो सर्वे पढ़ो। चाइना का जो लेबर मार्केट है, किसका कॉपी है जी बताना ये वाला, ठीक है, फॉल डाउन सो इंडिया शुड यूटिलाइज, अरे वाह, चाइना में जो लेबर कॉस्ट है पड़ रहा है वहां पर से कंपनी निकल करके भाग रही हैं, तो क्यों ना हम अपना थाली फैला दें, आ जाओ हमारे यहाँ जाओ, क्यों ना उसको हम कर लें इनवाइट अपने यहाँ कि आओ हमारे यहाँ कारखाना लगाओ। एप्पल चाइना में क्यों गया था, क्योंकि वहां पर सस्ता है लेबर, वहां पर चीजें बनानी आसान है, सस्ती हैं, वही चीज उसको अगर हम ऑफर कर दें तो क्यों ना आए हमारे यहाँ। वैसे भी यूएस और संबंध खराब हो रहे हैं चाइना के, तो जो कंपनी है ना यूएस का वो लोग चाइना छोड़ेगा कहाँ जाएगा, हम दें उसको ऑफर इंडिया का, बढ़िया ना, फोकस ऑन एक्सपोर्ट इंटीग्रेटिंग असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड विथ मार्केट, बहुत अच्छा, हार्नेसिंग द सोशल एसेट ऑफ द फॉरेस्ट ग्रोथ प्रोडक्ट पॉल्यूशन, ठीक है फेवरेबल ट्रेड पॉलिसी, बहुत अच्छा। मगर यहाँ पर एक ठीक है, हो तो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है आपका वर्ड लिमिट में, ठीक है बढ़िया, आपका थोड़ा सा यहाँ पर बस ये है ना कि आपका जो कंक्लूजन है आपका एब्रप्टली खत्म हो गया है, जो आपका आंसर है ना वो आपका एब्रप्टली खत्म हो, थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, बस एक लड़का ना कंक्लूजन वो दे देना ताकि आपका आंसर पूरा हो जाए, मतलब कि एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका नहीं देना है, एग्जामिनर से नंबर लेना है एकदम, कैसे नहीं दोगे, क्लियर है। चलो तो ये थी बातें हमारी, अच्छा अरे है जी कंक्लूजन तो है, सॉरी देखा नहीं था यार, हे भगवान, लोग कहेंगे क्या है, आंख है कि आलू का फांक है, बिसाइड दिस ब्रिंगिंग अप कोऑर्डिनेशन, आप तुम्हारा हो गया 250 के पार हो गया तुम्हारा वर्ड, कोई बात नहीं, रिड्यूशन ऑफ एफडीआई प्रो ड्राइवर, ठीक है, अचीविंग आवर टारगेट, बढ़िया आंसर, बढ़िया है, आपको यहाँ पर 10 में आपको आराम से हम 6 साढ़े 6 देंगे, आराम से मिलेगा 6 साढ़े 6, कोई रुकेगा नहीं इसमें, इससे कम तो दे नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है उसकी, देखो यहाँ पर सवाल आपका था मैन्युफैक्चरिंग का, आपने डायग्राम बनाया है इंफ्रा का, जरूरत नहीं था इसका, इसका जरूरत था ही नहीं,
अगर आपने डायग्राम बनाया होता मैन्युफैक्चरिंग का तो जरूरत हुआ होता उसका। ठीक है दोस्तों, राहुल पासवान थोड़ा सा इंप्रूव करना है आपको, आर्थिक वाला आपका देख लेते हैं। ठीक है, कला से लेकर बढ़िया इंट्रो। ठीक है, इंट्रो यहां पर ठीक है। महत्व क्या है? महत्व आपका है संसाधनों का उपयोग, संतुलित क्षेत्र का विकास, पूंजी निर्माण में वृद्धि, राष्ट्रीय वृद्धि का विदेशी आदान प्रदान। ठीक है, आपने इंप्लीमेंट किया है। यहां पर अगर आप ऊपर में छत लगा दें थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। हाँ, आपका राइटिंग का स्पीड कम हो जाएगा मगर ये देखने में आपका अच्छा लगेगा, तो कोशिश कीजिएगा लगाने का। वैसे हिंदी अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये सुमंत है कि सुभत है पता नहीं है ना, तो सुमंत ऐसा होगा। ठीक है ना, सुमंत ऐसा हो सकता है, या फिर सु क्या क्या करना, सारा समझ रहे हो ना, ऊपर लगाओ अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर ठीक है, अपने पॉइंट अच्छे लिखे हैं। आपका ओवर हो गया है जी, आपका 3 पेज में चला गया आंसर, 2 के अंदर लाओ। अगर आपका उत्तर 9 मिनट 10 मिनट में कर ले रहे हैं, अगर आप अपने उत्तर को 9 मिनट में कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना आपका लगना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा में लग रहा है तो उसको आप कम कीजिए। ठीक है, चलो ये हो गई बात। आपको जो कल का सवाल है हमने दे दिया है, आपको हमने कल का सवाल दे दिया है। कहाँ गया सवाल? ये सवाल है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक तो तुम्हारे हम करंट अपने कमेंट पढ़ते हैं। ये अटक क्यों रहा है बार बार? ठीक तो जा रहा है। ठीक है, बढ़िया। मयंक ने लिखा 10 मिनट में आज, बहुत अच्छे मयंक। हिंदी साहित्य का कोर्स अनअकैडमी पर करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे सर, हिंदी का कोर्स अनअकैडमी पर करेंगे, कोई बात नहीं है। यस सर, ओपन कर दिए, दीजिए क्लास। अरे ओपन ही तो है और क्या चाहिए, 100 रुपया जरूर देंगे। सही में रख दें फी। ठीक है, तुम सोचते हो अगर 100 100 रुपया, अगर 100 रुपया अगर 100 आदमी दे तो ये 10,000 रुपया होता है यार, ये मायने रखता है। तुम लोग जो 100 लोग देख रहे हो बैठ करके, अगर तुम 100 रुपया भी दो ना महीने का, तो 10,000 रुपये होते हैं। पढ़ लो, शादी के पहले दिखाई नहीं देंगे। हाँ, GS1 देखना, RKD की सोसाइटी के आंसर देखना है उनके। हाँ, उनका जो आंसर है ना, देखिएगा उन्होंने जो है सोसाइटी पढ़ाया है उन्हें काफी अच्छा। चलो बढ़िया हो गया, सर कमेंट देख लिया मैंने। अब करते क्या हैं, हम कल रखते हैं सेशन आधे घंटे का, घंटे का, जितना भी आपको मन करे। वहाँ पर जो भी कुछ पूछना हो आप पूछ लीजिएगा, आपको जो पूछना हो प्रीलिम्स का, मेंस का, आंसर राइटिंग का, ऑप्शनल का, जो भी सवाल हो आपका, बाल क्यों नहीं कटाते सर, दाढ़ी क्यों नहीं बनाते सर, जो सवाल है सब पूछ लेना, आपको जो मन करे, आस्क मी एनीथिंग रहेगा कल। ट्राई करते हैं कल रखने का, ठीक है ना। चलो ऐप बना लो, 100 रुपया इतना नहीं आता। चलो ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में, ठीक है ना। सभी लोग कल आएंगे और अपने साथ और लोगों को लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।